जो यूगोस्लाविया के पास नहीं थे लेकिन पाकिस्तान के पास हैं, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने करम ये किया है कि अफगानिस्तान में अमरीका दफन होने के करीब पहुंच चुका है। सोवियत यूनियन वहां दफन हुआ था, इंशाल्लाह हमारे यहां तो अमरीका भी यही दफन होगा। यूगोस्लाविया एटमी ताकत नहीं था, इनको कोई खतरा नहीं था कि अगर हमने यूगोस्लाविया को तोड़ के छोटा छोटा कर दिया तो एटमी हथियार किसके पास जाएंगे। वो बेदरेज मुल्क में उन्होंने कत्लोगार पहुंचाया, और सबसे बढ़कर 20वीं सदी के आखिर में जो कत्लेआम होता है बॉस्निया के मुसलमानों का, लाखों बॉस्निया मुसलमान जिबा किए गए। यूरोप के बीच में किसी तहजीब याफ्ता सो कॉल्ड तहजीब याफ्ता तहजीब ने अपनी नाक के नीचे हजारों लाखों बॉस्निया मुसलमानों को जिबा किया, तबाह बर्बाद किया, औरतों की हुर्मती की, सिर्फ इसलिए कि यूरोप में वो एक मुसलमान मुल्क नहीं देखना चाहते थे। और अल्लाह ने कर्म और एहसान ये किया, जिस तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा की आबरू पर दिफा करने के लिए पाकिस्तान है, बॉस्निया के मुसलमानों की तरफ से भी जो फौज लड़ी जिसने उनकी इज्जत और आबरू को दिफा किया, आज बॉस्निया एक मुल्क के तौर पर मौजूद है। अल्लाह के फज़ल से मेरे बच्चों आज आपको बताते वो पाकिस्तान फौज थी जो खुफिया तौर पर जाकर लड़े बॉस्निया। हमारे फाइटर पायलट 67 और 74 में भी जाके इसराइल के जहाजों को मार के गिरा चुके, उससे पहले 65 में हमने इंडिया को तुम्बा बना दिया अब्दुल्ला के फजल से। मशरिक और मगरिब में अगर जमाना भी अपने मदार पर ठहरा हुआ, अगर दुनिया के नक्शे अब मजीद तब्दील नहीं हो रहे, अगर उम्मत मुस्लिमा की इज्जत आबरू अगर कुछ कायम है आज, मेरे बच्चों यकीन करो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने आज इस नजदीक में पाकिस्तान को पैदा कर दिया है। आज अगर हिंदुस्तान एक्सपैंड करके अपनी सरहदों को वसी नहीं कर रहा, आज अगर इसराइल अपने आप को वसी नहीं कर रहा, तो उनको सिर्फ इस बात का खौफ है कि अल्लाह ने पाकिस्तान एक इस्लामी एक्ट की ताकत रखी हुई है जो इनके दांत तोड़ के रखते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की आबरू पे फर्क नहीं आता। किससे कहानियां नहीं है मेरे बच्चों, ये हकीकत और फैक्ट है जो हम आपको सुना रहे हैं। हमारे बड़ों ने नामुमकिन करके दिखाया, जब दुनिया ये समझती थी ये नहीं हो सकता हमने करके दिखाया, दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं लड़ सकता, अल्लाह के फजल से हमने मार दिखाई, चोटें दिखाई, लेकिन अपनी गैरत और इज्जत का सौदा नहीं किया, अभी तक हम खड़े हैं अपनी जगह पे। इंडिया में जरूरत होती तो मैं रोक देता, अगर आज कायम है अल्लाह के फजल से, इसलिए कि उसमें जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की सरहदें पार करे। वो सिर्फ खैरा गद्दानी मुनाफिकत में चोट लगा सकता है, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में लगाई थी, मैदान जंग में कभी आंखों में आंखें डालकर हमसे बात नहीं कर सकते वो अल्लाह के फजल से। अगर इसराइल आज अरब मुसलमान मुल्कों को लिहाज कर रहा है, मुसलमान मुल्कों को रोकता और मुस्लिम मुल्कों का कब्जा नहीं कर पाता, तो उसको खौफ इस बात का है कि जब अरब मुल्कों को खतरा होता है तो पाकिस्तानी फौज जाती है दिफा करने के लिए। 1981 में ईरान का एटमी रिएक्टर उन्होंने तबाह किया आपके इसराइलियों ने, कोई इनको रोकने की जरूरत नहीं कर सका। इराक इराक जंग जारी थी, इराक ईरान से लड़ने में लगे हुए थे, पीछे से इसराइलियों ने आकर का एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया। उनको जरूरत हुई इसराइलियों को, उन्होंने फैसला किया कि 84 में हम उल्टा आकर तबाह कर देंगे। उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने यह पैगाम जब दिया तो मिलिट्री एयरफोर्स वो तो ओनली इंस्ट्रूमेंट है, हमारी सफाइया से कहा गया कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई दिल्ली में और हवा एक्टिव रिएक्टर पे करेगा और तलवीर पे और डिमोना रिएक्टर पे करेगा, लेकिन हमारे पास तैयारे ऐसे नहीं थे कि हम जाकर वापस आ सकते। आप यकीन करेंगे पाकिस्तान के तमाम फाइटर स्क्वाड्रन ने वॉलंटियर किया कि वन में सुसाइड मिशन पर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। में हुआ था कि अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान पर हमला होता है तो हम वन वे सुसाइड मिशन पर जाएंगे और जिमोना को तलवीर को ट्रेनिंग अप्लाई करके वापस आएंगे। पाकिस्तान के 18 F-16 फुली लोडेड पाकिस्तान के एयरबेस पे खड़े थे वन वे सुसाइड मिशन के लिए टेक ऑफ करने के लिए और तमाम का तमाम F-16 स्क्वाडन हमारा फाइटर पायलट ने वॉलंटियर किया था। आपस में झगड़े हो गए थे कि कौन जाएगा सुसाइड मिशन के लिए और कौन रुकेगा पाकिस्तान के लिए। ये जज्बा हम तमाम पर कमजोरियों के बावजूद तमाम पर गलतियों कोताहियों के बावजूद इस कौम के अंदर वो खालिद तालिब और टीपू का खून गर्विश करता है जिससे ये खौफ खाते हैं। मेरे बच्चों तुमसे ज्यादा तुमको तुम्हारे दुश्मन जानते हैं। डेविड बेंगोरियन ने 1948 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त उसने कहा हमें अरबों से कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा पाकिस्तान में से है। आने वाली नस्लें इसराइल की आने वाली नस्लें पाकिस्तान को कभी चैन से ना बैठने दें। वो नसीहत करके क्या करते कौन और आज हम इसराइल को खुशखबरी देते हैं कभी चैन से ना बैठना क्योंकि हम तुमको टारगेट में लेकर चुके हैं। नहीं थी जिसकी वजह से उसको तोड़ने में कामयाब हुए कि युगोस्लाविया के पास एटमी हथियार नहीं थे, अल्लाह के फजल से हमें एटमी ताकत है। युगोस्लाविया से नेटो की सप्लाई नहीं गुजरती थी, उन्होंने अपने पहली जहाज एड्रियाटिक सी में लाके खड़े कर दिए थे और वहां से ये युगोस्लाविया को तबाह बर्बाद कर रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान में जो उनकी फौज है उनकी सप्लाई लाइन पाकिस्तान से गुजरती है। और तीसरी बात युगोस्लाविया की फेडरल आर्मी और युगोस्लाविया की आवाम के नाम दरमियान उन्होंने पूरे जंग बर्पा करवा दी। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की फेडरल आर्मी और पाकिस्तान के नौजवान अल्लाह उसके रसूल के इश्क में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं। वी स्टैंड फर्म एंड वी स्टैंड यूनाइटेड टू डिफेंड पाकिस्तान। अब हम ये बात बिल्कुल बात है आपको बता दें मेरे बच्चों, ये तकमील पाकिस्तान का वक्त आ पहुंचा है। 21वीं सदी का आगाज हो चुका है, 20वीं सदी के आगाज में मुसलमान दुनिया को तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, 21वीं सदी के आगाज में मुसलमान दुनिया को जोड़कर एक यूनाइटेड ब्लॉक ऑफ मुस्लिम लाइंस बनाया जाएगा जो अल्लामा इकबाल के मुताबिक एक होंगे मुस्लिम इंशाअल्लाह हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खान के काशगर, इसको हम नाम देते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया का कुफर मुतहद हो रहा है। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप के ममालिक थे इनको जमा करके एक बड़ा मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन बन चुकी है, उनके दरमियान कॉमन करेंसी है, आजादाना तिजारत है, आमो दरख्त के लिए वीजे की जरूरत नहीं है, उनका कॉमन डिफेंस है, कॉमन पार्लियामेंट है, कॉमन प्रेसिडेंट है। हम उम्मत रसूल, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, हम क्यों नहीं एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम बना सकते जहां कॉमन करेंसी हो, कॉमन डिफेंस हो, कॉमन पार्लियामेंट हो, कॉमन फोर्ट हो, कॉमन कायदत हो और हम एक हो मुस्लिम भरम की पासवानी के लिए इंशाअल्लाह वजीर जिस मकसद में पूरा होना है, इसकी कयादत, इसकी इज्जत, इसकी शान, इसकी शौकत अल्लाह ने पाकिस्तान के नसीब में रखी है और यह आइंदा आने वाले दौर में नहीं इसकी झलक अल्लाह हमको माजी में दिखा चुका है। आइए हम आपको बताएं किस तरह 1986 की दिहाई थी, उस वक्त आप अक्सर बच्चे सिर्फ असाथा आपके तैयार बच्चे तो माशाल्लाह पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये बात हम आपको बताते हैं 1986 में जब एक तरफ पाकिस्तान सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े करने में लगा हुआ